सो गाइस, मुंबई की जान मिसल पाव अभी मेरे हाथ पे है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं डेनिश तन्ना आप सब लोग का स्वागत करता हूँ मैं एक नए फ्रेश स्ट्रीट फूड के वीडियो पे ऑन पब्लिक डिमांड। यस, लगातार काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे मैं वीडियो पे आप लोग स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करो, स्ट्रीट फूड के वीडियो बनाओ। तो इसीलिए आज का वीडियो है जूनागढ़ का बेस्ट स्ट्रीट फूड के बारे में। तो आज हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है जलसा फूड ट्रक। यहाँ पे साउथ इंडियन की बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलती है। तो चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी यहाँ का जो मेनू है काफ़ी कॉम्पैक्ट है और यहाँ की जो प्राइस है वो एकदम बजट फ्रेंडली भी है। सो सबसे पहले यहाँ मुझे दिख रहा है मलाई डोसा जो कि सादा है, मलाई डोसा जो कि मसाला में है। सो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि पेपर आता है वैसे प्लेन डोसा मिलता है और साथ में अगर आलू की सब्जी चाहिए जैसे कि मसाला तो वो भी साथ में मिलता है। और ये कि जो प्राइस है वो एकदम रीजनेबल है और साथ ही साथ इस प्राइस में हमें दो पीसेस मिलते हैं। सो वो भी कमाल की बात है। यहाँ पे हम आए तो हमारा पेट जो है वो एकदम भर जाता है। सो कई सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। सो इन सारे चीज़ों में से हमने ऑर्डर किया है मलाई डोसा, गाजला डोसा, ट्विन डोसा और मिसल पाव। सो ये सारी चीज़ें अभी हम ट्राई करने वाले हैं और साथ ही साथ इसका मेकिंग जो है वो भी कुछ इंटरेस्टिंग है। सो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सो गाइस, हमने सबसे पहले यहाँ से ऑर्डर किया है ट्विन डोसा जो कि टोटली डिफरेंट है। इस तरह का डोसा जो है वो मैं अपनी लाइफ में पहली बार खा रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ के जो सेफ है वो मुंबई के रहने वाले हैं। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है होम किचन फ्रॉम मुंबई। और आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है हाइजीन की। सो यहाँ पे हाइजीन भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। यहाँ के जो सेफ है, अंदर जो कुक है, उन सभी लोगों ने हैंड ग्लोव पहने और विग भी पहनी है। और ये जो डिश हमें सर्व की जाती है वो जो है वो इको फ्रेंडली है और ये जो डिश है वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होती है। सो ये जो चीज़ है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। सो गैस, ये जो ट्विन डोसा है इसकी प्राइस है वो 40 रुपीज़ है और 40 रुपीज़ पे इस पर 7 पीस आते हैं। सो वो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक डिश हम खा लें तो उसमें और कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी तो स्पेशल हम यहाँ पर आए यहाँ का फूड ट्राई करने के लिए। सो मैक्सिमम चीज़ें ऑर्डर करने वाले हैं। सो गाइस, अभी आ चुका है मेरे पास मलाई डोसा। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, सादा और मसाला। मैंने लिया है सादा, इसमें मसाला नहीं आता है। आप देख सकते हो इसकी क्वान्टिटी 3 पीस में आता है। अभी इसको टेस्ट करते हैं। वैसे ये चीज़ जो है वो कोकम और कर्नाटक में बहुत ही फेमस हुई है। तो अभी हाल ही में नया ओपन हुआ है जलसा फूड ट्रक, वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है। तो आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हो। एकदम सुपर टेस्ट इसका, मुझे बहुत मज़ा आया। और गाइस, इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि मैं ये डिश अकेले ख़त्म करने वाला हूँ। और यहाँ पे मसाले भी ले सकते हो और सादा भी ले सकते हो। तो मैंने लिया है सादा डोसा। गाइस, लुक एट दिस साइज। मेरे लिए टू मच है। ऐसे मुझे 3 पीस मिले, 1-2 पीस तो मैं खा चुका हूँ ऑलरेडी। इसका नाम है मलाई डोसा। तो साथ में मिलती है हमें सांभर और कोकोनट की चटनी, बहुत मज़ा आने वाला। तो सो गाइस, मुंबई की जान मिसल पाव अभी मेरे हाथ पे है। सो ये चीज़ खाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो अभी ट्राई करता हूँ मिसल पाव को, जिसके साथ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पाव दिए गए हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ पे पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ है वो जूनागढ़ पे और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ यहीं मिलती है। सो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो साथ में चिवड़ा है और ये जो चटनी है, ये दोनों को मिला के खानी होती है। क्या बात है। भाई लोग, जिंदगी का स्वाद आ गया। चीज़ कमाल की है, 100% पैसा वसूल वाली डील है। आप ये चीज़ यहाँ पे आओ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़। सोगा से भी आ चुका है मेरे पास काला डोसा। इसमें साथ में मसाला लिया है। पहले खाया था मलाई डोसा, वो एगलो खाया था मैंने। सोचा मैंने कि चलो यहाँ पे आया है तो मसाला भी ट्राई कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने लिया है गाला मसाला डोसा। इसमें भी आप चाहे तो आप सिंगल भी ले सकते हो। और इसकी प्राइस है 60 रुपीज़ ओनली। और गाइस, इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है, क्योंकि इसका नाम ही है गाला डोसा। और गाइस, आप लोग यहाँ का ट्रैफिक देख के गेस कर सकते हो यहाँ का फूड कितना हाइजीनिक, टेस्टी और डिलीशियस होगा। एंड गाइस, ये फूड तक का टाइमिंग है 5 to 10। आप लोग यहाँ विजिट करना। इसका लोकेशन है झांझर रोड, जूनागढ़। सो गाइस, मुझे पता था आज मैं स्ट्रीट फूड वीडियो करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था। साथ बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम बहुत सारा खाना खाने वाले हैं। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो। तो नेक्स्ट आप वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो चलते अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। सो गाइस, जैसे सेकंड डेस्टिनेशन लास्ट टाइम सूरत फूड ट्रक गई थी, तो वहाँ पे हम लोग आलू पूरी खाना भूल चुके थे। सो उसका हमें आज भी अफसोस है, बट कोई नहीं। हमारे जूनागढ़ सिटी में स्टार्ट हो चुकी है आलू पूरी, गणेश आलू पूरी। यहाँ पे मिलती है रेगुलर आलू पूरी, चीज़ आलू पूरी एंड बेकेट चीज़ वेफल। सो तो मैं डेफिनेट ऑर्डर करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ का फूड भी एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस, गणेश आलू पूरी में से मैंने लिए रेगुलर आलू पूरी, जिसमें सेव भी आते हैं। तो इसके प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़। तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। अमेजिंग। तो गाइस, दिस इज टू गुड। पर यहाँ पे फ्लेवर आलू पूरी भी मिलती है, चीज़ आलू पूरी है, बेकेट वेफर है, शेजवान है। तो मैं ऑर्डर करने वाले और काफ़ी चीज़ें आपको वो भी दिखाएंगे हम लोग। सो गाइस मैंने यहाँ से ऑर्डर की है चीज़ आलू पूरी, चीज़ की प्राइस है 60 रुपीज़, और भाई ने अपने लिए ऑर्डर की है चीज़ वेफर, चीज़ की प्राइस है 70 रुपीज़। सो हम दोनों ये चीज़ें ट्राई करते हैं और साथ ही साथ आपको भी बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। लाजवाब, इसका जो टेस्ट है काफ़ी हद से अच्छा है। वैसे हम सूरत के फूड टूर पे गए थे तो ये जो चीज़ है वो ट्राई करना भूल गए थे, इसीलिए हमें कई लोगों ने सजेस्ट भी किया था, पर अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ की आलू पूरी खा नहीं पाए थे, पर यहाँ पे हमने आलू पूरी खा ली, सो हमें वही फील मिल रहा है। सो गाइस आप कभी भी गणेश आलू पूरी में आना चाहते हो तो इसका जो एड्रेस है वो झांझरा रोड पे ही है, जूनागढ़ शहर पे। सो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ का जो फूड है वो एकदम टेस्टी है, और साथ ही साथ यहाँ की जो चीज़ वेफर और हमने ये जो चीज़ आलू पूरी ट्राई की है वो मस्ट ट्राई वाले डील है। सो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो गाइस आए थर्ड डेस्टिनेशन इस सही चले हम वड़ा पाव। यहाँ पर वड़ा पाव मिलता है, जम्बो बटर वड़ा पाव, साथ में दाबेली भी मिलती है। इनका नाम तो हम बहुत सुना है, पर आज हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। तो चलो यहाँ का फूड बेस्ट लोग कहते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारे कई सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। सो वो लोग से हम पूछते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, पर ये लोग जो है वो यहाँ के रेगुलर कस्टमर है। सो भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अल्फेश बलोच। ओके ग्रेट। सो भाई यहाँ पे आप हर रोज़ आते हो, आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, वड़ा पाव या तो दाबेली? सब बढ़िया है, सब बढ़िया। वड़ा पाव खा लो या दाबेली खा लो, यस सब बढ़िया है यहाँ पे। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ का जो वड़ा पाव का जो पाव आता है वो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा होता है। वो जो आप वो वड़ा पाव खाते हो ना, जो रेगुलर वड़ा पाव से अलग है, उससे थोड़ा अलग आता है यहाँ। क्या बात है। सो चलो ट्राई करते हैं यहाँ का वड़ा पाव। स्ट्रीट फूड के लिए आए हैं और हम दाबेली और वड़ा पाव ना खाए ये बात तो हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए आज हम आए हुए जय जलाराम वड़ा पाव और ढाबेले में। तो मैंने यहाँ से अपना रेगुलर वड़ा पाव ऑर्डर किया है और भाई ने अपना चीज़ वड़ा पाव ऑर्डर किया है। तो अभी हम ये दोनों चीज़ें ट्राई करते हैं। इसकी प्राइस है 20 रुपीज़ और जिसकी प्राइस है 40 रुपीज़। बहुत ही बढ़िया है, इसमें जैसा है बटर है, कोई चीज़ है और साथ में फैंसी भी है। यूजली जो वड़ा पाव की साइज आती है ये इससे टू मच है। इसका जो बेस है वो एकदम सर्कल वाला है और थोड़ा जम्बो साइज है, तो इसलिए खाने में मज़ा आता है। इसका जो बन है वो एकदम सॉफ्ट और बटरी है। सो गाइस, यहाँ का जो वड़ा पाव का टेस्ट है वो सच में बहुत ही अच्छा है। कह सकते हैं दिस इज बेस्ट वड़ा पाव इन जूनागढ़। सो आप अगर जूनागढ़ सिटी में रहने वाले हो तो यहाँ पर आना तो ज़रूर बनता है। और अगर आप जूनागढ़ सिटी में फूड टूर के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे और कई चीज़ें भी मिलती है, जैसे कि घुघरा मिलता है, चाइनीज़ मिलती है और कई चीज़ें भी मिलती है स्ट्रीट फूड में, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, जूनागढ़ स्ट्रीट फूड का वीडियो को हम यही बैन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना मुझे सब स्ट्रीट फूड में से आपको बेस्ट स्ट्रीट फूड कौन सा लगा। तो साथ ही साथ कमेंट वो भी करना आप जूनागढ़ के स्ट्रीट फूड के बारे में और वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप वीडियो बैन कर देते हैं। एज ऑलवेज टिल देन कीप वॉचिंग कीप एडिंग। चलो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।